मुकाबला किया। और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे मंत्री रामनिवास रावत की, जिन्हें आज विभाग मिल सकता है। एक या दो विभाग रावत को दिए जा सकते हैं। खनिज या औद्योगिक विभाग मिल सकता है। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्हें विभाग मिल सकता है। तो बड़ी खबर यह कि अभी इस्तीफा मंजूर किया स्पीकर ने, इससे पहले मंत्री पद की शपथ ली। और अब जो सवाल सबके मन में था कि कौन सा विभाग मिलेगा, जो उसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि आज जो मोहन कैबिनेट की बैठक होगी इसके बाद ही ये साफ हो जाएगा। एक या दो विभाग रावत को दिए जा सकते हैं। खनिज या औद्योगिक विभाग मिल सकता है। कैबिनेट की बैठक के बाद ही विभाग को लेकर जो फैसला है वो और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगा, जानकारी और भी पुख्ता हो जाएगी कि कौन सा विभाग रामनिवास रावत को मिलेगा। लेकिन अभी इंतजार थोड़ा करना होगा जब तक कैबिनेट की मीटिंग खत्म नहीं होती। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग जैसे ही खत्म होगी वैसे ही विभाग दे दिया जाएगा रामनिवास रावत को। तो एक या दो विभाग रावत को दिए जा सकते हैं। इनमें दो विभागों के नाम सामने आ रहे हैं। खनिज या औद्योगिक विभाग मिल सकता है रामनिवास रावत को। हालांकि कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है रामनिवास रावत को, तो कैबिनेट की मीटिंग के बाद तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी। तो आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को रखा जाएगा और इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उसमें से एक अहम होगा कैबिनेट की मीटिंग के बाद रामनिवास रावत को विभाग का बंटवारा। खनिज या औद्योगिक विभाग रामनिवास रावत को मिल सकता है। थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि कुछ ही समय बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला ले लिया जाएगा कि आखिर रामनिवास रावत को कौन सा विभाग दिया जाना है। तो अभी विभाग का जो अलॉटमेंट है वो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी इस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी। देखिए बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, 11 बजे बैठक शुरू होगी और निश्चित ही इस बैठक में आज एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव जो आना है ई विधान का आना है। विधानसभा को पेपरलेस किया जाना है, इसको लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी और आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी कि किस तरीके से विधानसभा के सारे सवाल जवाब ऑनलाइन होंगे, सारे प्रश्नकाल से लेकर जितनी भी विधानसभा की प्रक्रिया है पूरी कार्रवाई ऑनलाइन होगी, उसको पूरा ऑनलाइन सिस्टम से चलाया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट लेगी। इसके ऊपर करीब 23 से 25 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया और उसे ही मंजूरी आज कैबिनेट देगी। उसके बाद संभवतः कि विधानसभा की जो कार्रवाई है जो अन्य राज्यों में होती है वो भी लाइव देखी जा सकेगी कि सदन के अंदर किस तरह से किन जनता के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, किन पर बहस हो रही है और जनता के हित में क्या फैसले लिए जा रहे हैं। निश्चित ही ये बड़ा अहम फैसला होगा आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तबादला की जो पॉलिसी है उसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि लंबे समय से मांग उठ रही है कि एक बार तबादलों पर से बैन हटाया जाना चाहिए। अब जो तबादले लंबे समय से हुए नहीं थे, पूरा एक साल होने को आया है, तो निश्चित ही तबादलों पर बैन हटाने को लेकर आज चर्चा होगी और उसकी एक दिन 15 दिन तय किए जा सकते हैं, अधिकार तय किए जा सकते हैं कि प्रभारी मंत्रियों को कितना अधिकार दिया जाएगा, जिले के कलेक्टरों के पास कितने अधिकार होंगे, जिलों के भीतर ट्रांसफर हो सकेंगे या जिलों के बाहर ट्रांसफर होंगे तो किस तरह से होंगे, इस सारी नियम प्रक्रिया पर आज पूरी विस्तार से चर्चा होगी।
इसके अलावा सबसे अहम बातें जैसे कि आप कह रहे थे जो कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत उनके विभाग को लेकर, तो निश्चित ही कैबिनेट में इस तरह की चर्चा नहीं होती है, लेकिन कैबिनेट के बाद सीएम आज निश्चित ही विभाग उन्हें बांट देंगे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि रामनिवास रावत कौन सा विभाग संभालेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास जो 5-6 बड़े विभाग है उसमें से कोई विभाग उन्हें दिया जा सकता है, एनवीडीए दिया जा सकता है, जेल दिया जा सकता है, तो 2-3 अहम विभाग हैं ताकि जो काम करने की पद्धति और तेज हो, इस तरह से आज विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। तो आज एक दर्जन प्रस्ताव हैं, कुछ सीएस से जुड़े हुए प्रस्ताव, इन सभी प्रस्तावों को आज कैबिनेट मंजूरी देगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। अब बात करेंगे असम की। असम में बाढ़ के हालातों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसके बाद भी